जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि आपको डेफिनेशन दिख रही है, द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी, किसी एक चार्ज बॉडी के आसपास का रीजन, एक चार्ज बॉडी उसके आसपास का रीजन जहां पर दूसरा चार्ज बॉडी आए तो किसी फोर्स का अनुभव करे, किसी फोर्स का एक्सपीरियंस करे, इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जब मैं बात करूं सिंपल सी डेफिनेशन के, एक बफेलो यानी कि आपकी भैंस जो कि बहुत मारती हो, किसी खूंटे पर अपने एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बंधी हुई है, फिर क्या होगा, क्या करेगी बरसात का मौसम में अपने आस पास का पूरा एक जहां तक उसकी चैन जाएगी वो उसको क्या करेगी, रौंद के रख देगी, और वहां के उस एरिया में कोई आएगा तो क्या करेगी, उसको उठाकर फेंकने की कोशिश करेगी। जब तक आप भैंस के बाहर वाले एरिया में है आपको उसी फोर्स का अनुभव नहीं हो रहा, और जैसे ही आप उसके पास में आएंगे आपको एक फोर्स का एक्सपीरियंस होगा। बस उसी को समझिए कि जब एक चार्ज है और चार्ज के पास यदि दूसरा कोई चार्ज बॉडी आती है तो किसी फोर्स का अनुभव करती है, किसी फोर्स का एक्सपीरियंस करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक रीजन है, एक एरिया है, एक रीजन अराउंड चारों तरफ का चार्ज बॉडी, किसी चार्ज बॉडी के आसपास का एक रीजन इन विच अनदर चार्ज बॉडी, जिसके आसपास दूसरी चार्ज बॉडी किसी भी फोर्स का एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यानी कि अट्रैक्शन और रिपल्शन नाम के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करती है। यदि मैंने कह दिया कि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास इसका एक रीजन हो, जिसका रीजन हो मैं समा हाउस जिस मैं एरो बाहर लगा रहा हूं, लगा रहा हूं, आपको नेक्स्ट वीडियो सुना दूंगा मैं आपको, मेरे से रीजन हो गया और एक टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज का मतलब पहला पॉइंट है आपका, टेस्ट चार्ज कैसा होता है, इसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, ये बहुत ज्यादा स्मॉल स्मॉल होता है यानी कि वेरी वेरी स्मॉल, यानी इसको हम बोल सकते हैं बैनिसली स्मॉल। कैसा होता है टेस्ट चार्ज? हमेशा कोई इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, ये कैसा होता है, बैनिसली स्मॉल होता है। और तीसरी बात, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट से करते हैं, क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरी बड़ी बात, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, ऑलवेज कंसीडर पॉजिटिव चार्ज, ऑलवेज कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज, इसे हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। कैसा होता है, इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, पढ़ चुके हो 10th क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, ये बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, वेरी वेरी स्मॉल। और तीसरा, इट कंसीडर अ वेरी पॉजिटिव चार्ज। देन नेक्स्टली हम बात करें तो जब कोई टेस्ट चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है तो कैसा है? आप टेस्ट चार्ज पॉजिटिव तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल, ठीक है ना, एक दूसरे का रिपेलिंग का एक्सपीरियंस करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका जो एरिया दिख रहे हैं आप, जो ये क्या है, एक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं आपको एक चीज और समझा रहा हूँ अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वास्तव में कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक इमेजनरी रीजन है। कैसे इमेजनरी रीजन है, एक दिखता किसी को नहीं, बस इमेजनरी रीजन है, ठीक है। और जब क्या है, जब सोर्स चार्ज के पास, जब सोर्स चार्ज के पास कोई टेस्ट चार्ज आएगा, और हम सभी में टेस्ट चार्ज से, अब देखो टेस्ट चार्ज यदि इसके अभी देखो ठीक है, इसके अंदर आएगा तो कैसा फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, रिपल्शन का एक्सपीरियंस करेगा। तो हम कह देंगे कि इसका इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तब जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी इन विच अनदर चार्ज बॉडी एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट बेटा है इलेक्ट्रिक
फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम दिखाते हैं ई से, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें कि किसी सोर्स का, जो देखा था आपने वो भैंस का एग्जांपल लिया था, भैंस के खूंटे से उसकी जंजीर तक, जहां तक भैंस का एरिया जा रहा है, भैंस अपना सर मार रही है, वो क्या है वहां तक की दूरी, वहां तक की दूरी वो सब क्या चीज है, वो उसकी इंटेंसिटी, ज्यादा उसकी ताकत होती है, जहां बोलते हैं उसकी इंटेंसिटी, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जहां तक वो अपना असर दिखाए। यदि कोई सोर्स चार्ज है, एक क्यू आपका एक सोर्स चार्ज मैंने ले लिया, और जहां तक उसका रीजन होगा, जहां तक उसका एरिया होगा, उसे उस वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे, उसकी इंटेंसिटी बोलेंगे, ठीक है ना। अब इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी ई इक्वल टू होता है, इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ई इक्वल टू, और ई इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक कैसी क्वांटिटी, पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक बेहतर क्वांटिटी, बेहतर क्वांटिटी है, और एफ क्या है आपका, इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट आपको भी बताया मैंने, ये क्या है, टेस्ट चार्ज, ये क्या है आपका, एक टेस्ट चार्ज है, क्यू नॉट आपको क्या है, टेंस चार्ज, ठीक है। तो क्यू नॉट के बारे में प्रूफ किया मैंने आपको बता दिया, कभी कभी लिखा होता है लिमिट क्यू टेंस टू जीरो, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एक बार क्वेश्चन बोर्ड में देखना पड़ेगा, सिग्निफिकेंस लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो, क्यू नॉट टेंस टू जीरो, इसमें आपको क्या करना था, आपको टेंस चार्ज की प्रॉपर्टी बतानी थी, तीनों प्रॉपर्टी, बेनिफिट स्मॉल, ठीक है, देन सेकंड प्रॉपर्टी इट हैव नॉट इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीसरी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी इसकी, इसकी कोई खुद की इलेक्ट्रिक, थर्ड प्रॉपर्टी मैंने आपको जो होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, तीनों प्रॉपर्टी आप इसको मतलब देने की टेस्ट चार्ज है, ठीक है ना, बोर्ड में एग्जाम में आ चुका है, व्हाट द मीनिंग ऑफ क्यू नॉट टेंस टू जीरो, क्यू नॉट टेंस टू जीरो मतलब दिस इज अ टेस्ट चार्ज विच हैव नॉट ओन इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर टू पॉइंट it has consider always positive, number 3 point it has very small, very very small, okay, तो इसके बारे में पता लग गया, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में पता लग गया। अब हम आते हैं तीसरा पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या सवाल है, पेपर में एग्जाम में आज फिर बोर्ड के एग्जाम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाने के लिए जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है भाई, नंबर पहला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना तक मैं देखी ना तक किसी ने देखी, यानी किसकी किसी ने नहीं देखी, इसका मतलब क्या है, ना हूं देखू ना को बाप देखू, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इमेजनरी लाइन, कहूंगे ना देखी, ठीक है ना, तो कैसी है, इमेजनरी लाइन, पहली प्रॉपर्टी नहीं लिखनी है क्योंकि पढ़ चुकी हूँ जान नहीं बता रहा हूँ आपकी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी है, इमेजनरी लाइन, दूसरा कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, इंटरसेक्ट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में काटती नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है कभी नहीं काटेंगे, ये मैं गलत है, ठीक है ना, आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। अब क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है ना, इसका रीजन बताना है अभी। और तीसरा एक पॉइंट है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी हमेशा जो लाइन बनेगी, वो यदि मैं लाइन बना रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो हमेशा इस तरह से बनेगी, नहीं हो सकती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इमेजिनरी, नंबर टू पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर नेवर डिसकंटिन्यू, नंबर थ्री पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में किसी को भी काटती ही नहीं है। चौथा पॉइंट यदि कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से ये हमेशा आउटवर्ड बाहर की तरफ निकलती, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा कैसे निकलेंगी, आउटवर्ड बाहर की तरफ निकलेंगी, व्हेन क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा गया था कि व्हेन क्यू इज ग्रेटर देन जीरो के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाइए,
सूर्य बनाने के, ठीक है ना, नेक्स्ट से व्हेन कभी नेगेटिव चार्ज हो, क्यों नेगेटिव चार्ज हो तो हमेशा उस पॉइंट के अंदर की तरफ आती है, उस चार्ज से अंदर की तरफ आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं अंदर की तरफ आती है। जब व्हेन क्यू इज लेस देन जीरो, जब जीरो से क्यू, जीरो से क्यू छोटा हो, यानी कैसा हो, नेगेटिव हो, मैं लिख देता हूं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज किसके लिए है, पॉजिटिव चार्ज के लिए। जब चार्ज पॉजिटिव हो तब क्यू ग्रेटर देन जीरो, जब चार्ज नेगेटिव हो तो क्यू के लिए अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है ना, ठीक है, दो चीजें डन हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई इमेजनरी नेवर इंटरसेक्ट। अब पूछा था काटती क्यों नहीं है भैया, काटती क्यों नहीं है, ये आप अब में इसलिए नहीं काटती क्योंकि हम मानते हैं कि ये निकलती हैं, ये आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ कंडक्टर विद अ 90 डिग्री एंगल। मैं समझा रहा हूँ आपको, ये मेरे पास एक कंडक्टर, इससे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, इससे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए दिख लेंगे, अब उसको दिख लेंगे कनेक्टर से कभी काट सकती है, नहीं काट सकती। यदि किसी मस्जिद कब काट सकती थी, जब इधर से तो निकल गई 90 डिग्री के एंगल से और यहाँ से निकल गई 30 डिग्री के एंगल से, जो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें तो कनेक्टर से कैसे निकलती है, 90 डिग्री के एंगल से निकलती है, इसलिए वो आपस में कभी काट नहीं सकती, नेवर इंटरसेक्ट। दूसरा, दूसरी बात है आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिसकंटिन्यूअस क्यों है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यदि मैं किसी को बनाऊं, किसी को डालूं, तो आपने भी बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से, क्योंकि आपने स्पेस देखा है वो जे, इसको मैंने कह दिया क्यू चार्ज है, इसे हम बोलते हैं डिस्कंटिन्यूअस, ये क्या है डिस्कंटिन्यूअस, ठीक है ना, दे आर नेवर डिसकंटीन्यूअस। जब डिसकंटीन्यूअस नहीं होती मतलब क्यों नहीं होती डिसकंटीन्यूअस, अब यहाँ पर देखो, अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है सर, जहां पर कोई टेस्ट चार्ज किसी फोर्स का अनुभव करे, किसी फोर्स का एक्सपीरियंस करे, यानी कि इसी जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर कोई टेस्ट चार्ज, इस जगह पर कोई टेस्ट चार्ज किसी फोर्स का अनुभव नहीं करेगा, इसका मतलब दिल तो यही है, जहां पर कंटिन्यू वहां मतलब क्या है कि स्ट्रेंथ नहीं है, और क्या क्या हो सकता है कि कोई चार्ज के पास में आज आप किसी भैंसिया के बाड़े के अंदर घुस आए, तो क्या ऐसा किसी जगह होगी जहां पर आपको उसे लगता हो कि उसको हमें मार नहीं सकती है, एक बार अंदर आ गया तो वो हर जगह उसका रेंज उसकी हो गई है, तो सर्विस उसका हो गया है। तो यही बात है कि भैया इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिसकंटिन्यूअस, यदि मान लेते हैं, मैं इसका रीजन बताता हूँ, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर डिसकंटिन्यूअस, इट मींस एट द पॉइंट वेयर दीज आर डिसकंटिन्यूअस देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज जीरो व्हिच इज नॉट पॉसिबल। आपको यही आंसर लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन हो सकता है व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर नॉट डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस दीज आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, इसका मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डिसकंटिन्यूअस क्यों नहीं हो सकती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर नेवर डिसकंटिन्यूअस बिकॉज एट द पॉइंट वेयर दीज आर डिसकंटिन्यूड दैट पॉइंट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज जीरो बट इट इज नॉट पॉसिबल। क्या होगा, जहां पर ये डिसकंटिन्यूअस होंगी उस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए क्योंकि डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, बट असली में ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कैसी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कैसी होती है, कंटिन्यूअस होती है, यही इसका रीजन है। अब आता है बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाइए, मेक अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन व्हेन Q1 Q2 greater than 0। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाइए, कैसे बनाएंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भाई, Q1 और Q2 दोनों का मल्टीपल जीरो होगा, अब Q1 Q2 है, अब देखो भाई इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर पर निकलेगी, ठीक है, और इससे भी बाहर की तरफ निकलेंगे, तो दोनों आइटम हम बनाने के लिए, जहां पर Q1 हो गया और Q2 हो गया,
इसलिए भी इलेक्ट्रिक मिलना है बाहर मिलना है। क्या हो रहा है ये आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन डालेंगे, रिपेलेंट करेंगे और कैसे जाएंगे, रिपेल होंगे इस तरह से, लेकिन कभी कटेंगे तो है नहीं, इंटरफेक्ट तो करेंगे नहीं, तो इस तरह से। और यहाँ पर एक पॉइंट होगा नल पॉइंट, एक पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो होगी, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं नल पॉइंट। ये क्या है, देन Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो। इसका डायग्राम यही बनेगा जब दोनों ही पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव होंगे तो क्या करेंगे, दोनों दूसरे को रिपेल करेंगे। एक दूसरा आपका एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाइए, मेक अ ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन व्हेन Q1 Q2 लेस देन जीरो, व्हेन Q1 Q2 लेस देन जीरो। अब लेस देन जीरो का मतलब ये क्या है, एक तो पॉजिटिव होगा और दूसरा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव में कैसा होता है, नेगेटिव आता है कि नहीं, और नेगेटिव कैसा होगा, हमेशा लेस देन जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब लेस देन जीरो की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब लेस देन जीरो की बात करें, तो यहाँ पर Q1 पॉजिटिव होगा और दूसरा कैसा होगा, Q2 नेगेटिव होगा, पक्का नेगेटिव होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव से बाहर निकलती है और नेगेटिव के अंदर की तरफ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके यहाँ से आउटवर्ड जाएंगी, और यहां से इनवर्ड होगी, और यही होगी ठीक है, इस तरह से इनवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाती है, इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काम करती है व्हेन Q1 Q2 लेस देन जीरो, ठीक है ना। इससे केवल पॉजिटिव होगा, मैं बता देता हूँ, एक पॉजिटिव होगा और एक कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और इसका डायग्राम ऐसा बनेगा। एक बोर्ड का एक क्वेश्चन और भी आता है, और वो क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाइए किस केस की, मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। एक आपके पास पॉजिटिव प्लेट है और इसके पास नेगेटिव, मैं आपको सुनाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाइए, एक पॉजिटिव चार्ज क्यूब है और इसके पास एक अनचार्ज प्लेट रखती है, ठीक है ना। क्यूब पॉजिटिव चार्ज है और ये रहती है अनचार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाइए, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बनाएंगे, पहले याद करो। यदि कोई अनचार्ज प्लेट है उसमें यदि पॉजिटिव चार्ज आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्टिव करता है, अट्रैक्शन करता है, और यहां पर कैसे चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यहां पर कैसे चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ आती है, यानी कि यहां से निकल रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और कहां जा रही होंगी, नेगेटिव की तरफ जा रही होंगी। अब यहां से क्या होगा, अब पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलती है, अब यहां से बाहर की तरफ निकल रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और जी आपका डायग्राम बन गया कि एक चार्ज और एक अनचार्ज प्लेट, अनचार्ज प्लेट में क्या होगा, पहले सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, और फिर हाँ कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम चलता हुआ नहीं दिखा सकते, फिर यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव से आउटवर्ड। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक बार एग्जाम में और आ चुका था, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई होना था आपके लिए। एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और एक अनचार्ज प्लेट इस तरह रखी हुई है, और एक अनचार्ज प्लेट इस तरह रखी हुई है, कहती है अनचार्ज प्लेट, अनचार्ज प्लेट इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी थी। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बताया मैंने आपको, पहले तो पॉजिटिव तो आसपास क्या आ जाएगा, नेगेटिव से हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। पर यहाँ क्या चल रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव आ रहा है, इसका तो ध्यान रखिए। अब क्या होगा, अब लाइन क्या निकलेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाएंगे, दो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ भेजिए, पॉजिटिव से नेगेटिव तो दोनों तरफ भेजिए, यहाँ पे भी वही करना है,
अब क्या होगा, अब इस पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगी बाहर की तरफ निकलेगी और ये एक कोर में आगे बढ़ता है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाइए। तो आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाने कैसी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव की तरफ जाती है। एक बार और भी एक क्वेश्चन आ चुका है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के लिए, डाइपोल क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज बहुत पांच पांच दूरी पर रखे हों जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डन, ठीक है ना। एक बोर्ड में क्वेश्चन और आया था कि ई वन ई टू का रेशियो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रेशियो का आंसर को बात देता हूँ। अभी मैं समझाता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइन, ठीक है ना, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी डिसकंटिन्यू नहीं करती। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, क्योंकि जब 90 निकलती है और जब 90 निकलती है, मान लेते हैं कि जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है कि दो पॉइंट ऑरिजिनेट हो रही है, इसका पॉसिबिलिटी ही नहीं है। दूसरा, डिसकंटिन्यू क्यों नहीं होती, डिसकंटिन्यू इसलिए नहीं होती कि मान लेते हैं किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यू, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो होगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, इसलिए डिसकंटिन्यू भी नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ अंदर आती है। क्यू वन हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है जब वो पॉजिटिव होता है, लेस देन जीरो होता है जब वो नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।